अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ अपने YouTube चैनल पे एक वीडियो शेयर करने वाला हूँ, तो उम्मीद करता हूँ आप सब लोग मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करोगे, साथ में बेल का बटन भी दबाओगे ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आप तक बरवक़्त पहुँच जाए। जैसे आप लोगों को पता है कि आजकल IT का दौर है, सब लोग ऑनलाइन ही वीडियो देख रहे हैं, ऑनलाइन ही वीडियो सीख रहे हैं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर रहे हैं, लाइक्स और कमेंट्स भी कर रहे हैं। तो जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, सबसे पहले आपने मेरी वीडियो को फुल वॉच करनी है, मतलब मेरी वीडियो को आप फुल एंड तक लाजमी देखोगे तो आपको मेरी वीडियो समझ भी आ जाएगी और पसंद भी आ जाएगी। मेरी वीडियो को लाइक करो, कमेंट्स करो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। तो चलो चलते हैं उस वीडियो की तरफ जो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं अपने YouTube चैनल पे। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं नोकिया 1112 मोबाइल की इन्फॉर्मेशन, ठीक है। जैसे भी आप लोग किसी मार्केट या किसी दुकान या शॉप में जाओगे, आपने नोकिया 1112 मोबाइल लेना चाहोगे तो आपने उसकी इंफॉर्मेशन कैसे चेक करनी है, ठीक है। मतलब उसका बैटरी, उसका बैक कैमरा, उसका डिज़ाइन, उसकी कलर के बारे में, ठीक है। तो नोकिया 1112 मोबाइल की अगर हम बात करें डिज़ाइन और कलर की, तो फ्रंट का डिज़ाइन आप देख सकते हो, स्पीकर भी लगा हुआ है, बैक साइड पे उसका जो है कैमरा भी लगा हुआ है, ठीक है, और स्पीकर भी लगा हुआ है, ठीक है। नोकिया 1112 मोबाइल की कलर की बात करें तो उसमें वाइट और ब्लैक कलर आते हैं, ठीक है, दोनों कलर उसमें अवेलेबल हैं। नोकिया 1112 मोबाइल जो है 2.4 इंच उसका स्क्रीन है, जिसमें आप वीडियो ऑडियो प्लेयर देख सकते हैं, ठीक है। 7000 mAh बैटरी लगी हुई है, ठीक है, 7000 mAh बैटरी लगी हुई है, 700 mAh बैटरी लगी हुई है, जो आप उसको एक दो दिन के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। नोकिया 1112 मोबाइल की अगर हम बात करें तो सेल्फ़ी कैमरा और बैक कैमरा, ठीक है, उसमें सेल्फ़ी कैमराज भी है, बैक कैमराज भी है, जिसके ज़रिए आप अपनी पिक्चर और वीडियोस बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नोकिया 1112 मोबाइल में डिस्प्ले साइज़, ठीक है, उसका जो है 10.3 सेंटीमीटर उस मोबाइल की साइज़ है, ठीक है। उसमें जो है अगर हम बात करें उसकी, तो ऊपर साइड पे उसका LED टार्च लगा हुआ है, जिसके ज़रिए आप अपने रात के वक्त किसी भी जगह पे जाके LED टार्च ऑन कर सकते हो, ठीक है। इसमें जो अपनी मेमोरी है उसमें आप 1000 तक कॉन्टेक्ट यानी नंबर सेव कर सकते हो, ठीक है। उसमें आप डुअल सिम भी लगा सकते हो, डुअल सिम में आप नंबर्स वगैरह भी सेव कर सकते हो, ठीक है। इसमें ब्लूटूथ ऑप्शन भी अवेलेबल हैं, यानी ब्लूटूथ ऑप्शन भी अवेलेबल, उसके ज़रिए आप अपने एक दूसरे मोबाइल के साथ कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे भी आप ये किसी मार्केट या किसी दुकान या होलसेलर से लेना चाहोगे, तो इससे कंपनी की तरफ से 1 ईयर वारंटी कार्ड होता है, ठीक है, यानी आपका मोबाइल 1 साल के अंदर जब भी ख़राब हो जाए, मतलब उसका स्क्रीन काम नहीं कर रहा, उसका कीपैड काम नहीं कर रहा, उसका टार्च ख़राब, सिग्नल नहीं आ रहे, बैटरी ख़राब हो जाए, तो आप उस होलसेलर या दुकान वाले को वापस करके आपको 1112 मोबाइल की रिप्लेसमेंट कर देगा। तो ये हो गया नोकिया 1112 मोबाइल की वीडियो जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया अपने यूट्यूब चैनल पे। मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करो, कमेंट्स करो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। मेरे यूट्यूब चैनल को भी लाइक करो, कमेंट्स करो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। थैंक यू।